सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है संस्कार और आप देख रहे हैं रियल टॉक। सो फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं हमारे आज की रियल टॉक्स एपिसोड को, बात करते हैं यहाँ पर हमारी सबसे पहली अपडेट के बारे में। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है, वो आ रही है हमारे इंडियन रेलवेज के स्टेशन पर आप लोग को दिखने वाली वाटर वेंडिंग मशीन को लेकर, जिससे कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा सस्ते दामों में जो पानी की सुविधा है उसको ले लेते हैं। मेरे ख्याल से 8 रुपये में आप लोग को 1 लीटर पानी यहाँ पर मिल जाता है। काफ़ी ज़्यादा सस्ता दाम है यहाँ पर पानी का अगर आप लोग जाते हैं इसमें में, और अगर आप लोग कंपेरेटिवली वाटर बॉटल्स लेते हैं तो आप लोगों को 20-15 रुपये तक की जो वाटर बॉटल है ये पड़ती है। तो ये काफ़ी अच्छी फैसिलिटी थी हमारे इंडियन रेलवेज़ के रेलवे स्टेशन पर मिलने के लिए। लेकिन दोस्तों ये थी इसीलिए मैंने बोला क्योंकि अभी यहाँ पर जो ठेकेदार है जिनको कि ये जो है मतलब सर्विस अलॉट करने के लिए दिए जाते हैं पैसे, उनको ये काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ रही है। और दोस्तों इसका जो इफेक्ट है वो अब देखने के लिए मिल रहा है। बताया जा रहा दोस्तों कि WR यानी कि वेस्टर्न रेलवे के तकरीबन 23 ऐसे रेलवे स्टेशन से जहाँ पर ये जो सर्विस है इसे बंद कर दिया जा चुका है, क्योंकि जो ठेकेदार हैं उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा जो है पैसे पेंडिंग हो चुके हैं, और जब वो पैसे नहीं देंगे तब तक ये जो सर्विसेज से वापस से रिज्यूम नहीं करी जाएंगी। और ठेकेदारों का कहना यही है कि भाई इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है सर्विस की वजह से, इसलिए ये लोग जो है शायद कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों देखते हैं कि आगे जाकर इंडियन रेलवेज खुद इसको कंटिन्यू करती है या फिर इसको किसी नए ठेकेदार को अलॉट करती है। अब देखते हैं दोस्तों इसको लेकर आगे जाकर जो भी फर्दर अपडेट निकल कर आती है मैं आप लोगों से ही बताते रहूँगा आने वाले रेल टॉक्स के एपिसोड्स में। दूसरे यहाँ पर जो अपडेट निकल कर आ रही है वो आ रही है रेल व्हील फैक्ट्री की तरफ से। अब दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारे इंडियन रेलवेज़ की जितनी भी ट्रेन्स होती हैं इनके जो कोचेस होते हैं इनमें लगने वाले जो पहिए रहते हैं इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग रहती है वो करी जाती है रेल व्हील फैक्ट्री में। अब दोस्तों अगर हम लोग रेल व्हील फैक्ट्री के आंकड़ों की बात करें तो पिछले 9 महीनों में हमारी जो रेल व्हील फैक्ट्री है इसने पिछले फाइनेंशियल ईयर के जितने भी आंकड़े हैं उनको सरपास कर दिया है। यानी कि पिछले 12 महीनों में जितना यहाँ पर प्रोडक्शन किया गया था पिछले फाइनेंशियल ईयर में उतना यहाँ पर इस फाइनेंशियल ईयर के 9 महीने में ही अचीव कर लिया गया है। दोस्तों बताया जा रहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर के तकरीबन 9 महीने में 40,000 से ज़्यादा जो व्हील सेट्स हैं वो ऑलरेडी प्रोड्यूस किए जा चुके हैं, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। और दोस्तों ये फाइनेंशियल ईयर अभी जो है ख़त्म नहीं हुआ है, अभी इसको ख़त्म होने में 2-3 महीने बचे हुए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा एफिशिएंसी से काम किया जा रहा है, और इसी की बदौलत दोस्तों आने वाले टाइम में हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा नए नए ट्रेन सेट जो हैं ये देखने के लिए मिल सकते हैं। तो उम्मीद हम लोग यही करेंगे कि यार हमारी जो रेल व्हील फैक्ट्री है वो इसी तरीके से और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे प्रोडक्शन करती रहे, काफ़ी ज़्यादा नए नए हाइट्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते रहेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो अपडेट निकल कर आ रही है वो आ रही है कर्नाटका की तरफ से। अब दोस्तों कर्नाटका के जो सबर्बन नेटवर्क्स हैं इसके यहाँ पर जो है पैसेंजर के आंकड़ों को लेकर ये जो है रिपोर्ट निकल कर आ रही है। अब दोस्तों यहाँ पर आंकड़ों में बताया जा रहा है कि यहाँ पर प्रतिदिन 1.5 लाख से भी ज़्यादा जो पैसेंजर्स हैं वो यहाँ पर जो है ट्रैवल करते हैं हमारे कर्नाटका में सबर्बन नेटवर्क से। हालांकि दोस्तों अभी यहाँ पर जो मेजर सिटी है जो कि है बेंगलोर में अभी तक यहाँ पर जो सबर्बन नेटवर्क है वो बहुत अच्छी तरीके से डेवलप जो है वो नहीं हो पाया है। इसका जो प्रोजेक्ट है ये ऑलरेडी पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि 17,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, 150 किलोमीटर में ये बनने वाला है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी सेंटर की तरफ से इसको NOD नहीं मिल पाई है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना ये है कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका जो है वो अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को क्लेरिफाई नहीं कर पा रही है। अब देखते हैं दोस्तों कि उस प्रोजेक्ट को लेकर क्या अपडेट निकल कर आती है। लेकिन उसके अलावा दोस्तों मैसूरु और बेंगलोर में अभी जितना भी हमारा सबर्बन नेटवर्क है इसके ऊपर काफ़ी सारे यहाँ पर जो लोग हैं वो डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। ये जो आंकड़ा है ये हमारे पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में इतने ज़्यादा लोग यहाँ पर जो है प्रेफर नहीं करते सबर्बन नेटवर्क को, लेकिन दोस्तों काफ़ी सारे ऐसे रीजंस हैं, काफ़ी ज़्यादा ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से अब यहाँ पर जो है काफ़ी सारे लोग सबर्बन नेटवर्क को प्रेफर करने लगे हैं। उम्मीद हम लोग यही करेंगे कि आगे जाकर भी हम लोग को ये जो नंबर है इसी तरीके से और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होते हुए दिख जाएगा। दूसरे यहाँ पर जो अपडेट निकल कर आ रही है वो आ रही है लखनऊ से लेकर सीतापुर वाले हमारे सेक्शन को लेकर, जहाँ पर भी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जो है ये किया जा रहा है। दोस्तों ये जो काम है ये आखिरी चरण में पहुँच चुका है, लास्ट 10 किलोमीटर का जो काम है ये बचा हुआ है। अब दोस्तों बात यहाँ पर ये निकल कर आ रही है कि ये जो काम है ये 20 दिसंबर तक पूरी तरीके से कम्प्लीट कर लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों 20 दिसंबर तक ये काम कम्प्लीट होने के बाद में भी ये जो पूरा काम है ये कम्प्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके बाद में भी हमारा जो CRS इंस्पेक्शन है ये रह जाता है। अब दोस्तों र्यूमर्ड बताया जा रहा है कि यानी कि यहाँ पर जो है बताया जा रहा है रेलवे के अधिकारियों के द्वारा कि इसका जो इंस्पेक्शन है जो CRS इंस्पेक्शन है ये 26 तारीख को हो सकता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये 26 तारीख को हो जाए, सक्सेसफुल रहे, जिसके बाद में आप लोग लखनऊ से लेकर सीतापुर के बीच में इलेक्ट्रिक ट्रेन से ट्रैवल कर पाएंगे, जिससे कि आप लोगों की ट्रेन की जो स्पीड है वो आप लोग काफ़ी ज़्यादा एनहेंस होती हुई दिख जाएगी। और इसी के साथ में हमारी इंडियन रेलवेज़ की जो डीजल की कॉस्टिंग है उसमें भी हम लोग को काफ़ी ज़्यादा कमी देखने के लिए मिलती रहेगी। दोस्तों यहाँ पर जो अपडेट निकल कर आ रही है वो आ रही है बेंगलोर मेट्रो की तरफ से। अब दोस्तों बेंगलोर मेट्रो ने यहाँ पर हमारे जितने भी पैसेंजर्स हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किया बेंगलोर मेट्रो को कि भाई
हमारा जो बैम्बू बाजार वाला रेलवे स्टेशन है या फिर बैम्बू बाजार वाला हमारा जो मेट्रो स्टेशन है, यहाँ से लेकर कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन तक के लिए हम लोगों को चाहिए एक फुट ब्रिज, और इसके बाद में एक सर्वे वगैरह कंडक्ट कराया गया जिसमें इसकी जो नीड है उसको आइडेंटिफाई किया गया। और दोस्तों बहुत ही जल्दी इसका जो कंस्ट्रक्शन है आप लोगों को शुरू होता हुआ जो है दिखने वाला है, जिसके बाद में आप लोग जो है ये जो दोनों ही रेलवे स्टेशन रहे यानी कि हमारा जो ये मेट्रो स्टेशन और हमारा जो कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन है बैंगलोर वाला, ये एक दूसरे से काफ़ी अच्छी तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात रहेगी। क्योंकि आप लोग अगर यहाँ पर जाते हैं तो आप लोग डायरेक्टली मेट्रो स्टेशन जा सकते हैं और फिर उसके बाद में आप लोग अपनी लोकेलिटी में जा पाएंगे और लोकेलिटी से भी आप लोग डायरेक्टली जो है ये कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन पर आ पाएंगे। तो काफ़ी एक अच्छा यहाँ पर जो है बैंगलोर मेट्रो ने कदम उठाया है। अब देखते हैं दोस्तों कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है कब तक स्टार्ट होता है और इसको लेकर जो है आगे जाके जो भी फर्दर अपडेट निकल कर आएगी वो मैं आप लोगों को सही बताते रहूँगा आने वाले रेल टॉक्स के एपिसोड्स में। दोस्तों यहाँ पर अगली राज की जो फाइनल अपडेट निकल कर आ रही है वो आ रही है हमारी इंडियन रेलवेज की ट्रेन की अपर बर्थ को लेकर। अब दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि यार ये जो अपर बर्थ है इसमें जाने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, स्पेशली अगर हम लोग बात करें तो महिलाओं की और बुजुर्ग लोगों की। काफ़ी बार इन लोगों को भी अपर बर्थ जो है अलॉट हो जाती है, हालांकि इतने ज़्यादा अच्छे पैसेंजर्स भी होते हैं जो कि ये जो बर्थ इनको चेंज कर लेते हैं अपनी बर्थ के साथ में, लेकिन दोस्तों कई बार खड़ूस पैसेंजर्स भी मिलते हैं। ऐसा मैं किसी को टारगेट करके नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, जो कि अपनी जो बर्थ है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं करते हैं, भले ही कोई बुजुर्ग आ जाए या महिला आ जाए। तो ऐसे में उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है ऊपर चढ़ने में। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा जो एग्जिस्टिंग वाला सिस्टम है जिसमें कि हम लोग जो है ऊपर चढ़ते हैं वो थोड़ा सा रिजिड टाइप का है, उसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों यहाँ पर IIT कानपुर जो है इसने एक नई तरह की स्टेयर जो है ये डेवलप करी है स्पेशली हमारी इंडियन रेलवेज की ट्रेन के लिए। और दोस्तों बताया जा रहा है कि ये जो स्टेयर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी हैं, ज़िगज़ैग रहेंगी और इसके साथ में ये जो है एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि ये फोल्डेबल टाइप की है, यानी कि ये फोल्ड होकर एक तरफ हो जाएगी, फिर उसके बाद में अगर आप लोग को उतरना हो तो आप लोग इसको काफ़ी ज़्यादा आसानी से वापस खोल पाएंगे, इसके बाद में आप नीचे उतरिए फिर उसके बाद में। तो क्या है ना कि ये स्टेयर से जो जगह घिरती है वो भी बच जाएगी और हमारी ट्रेन्स के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा स्पेस हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर जो है इनोवेशन निकाला है IIT कानपुर ने। अब दोस्तों इसकी जो डिज़ाइन है वो गई अभी हमारी इंडियन रेलवेज़ के पास में। अगर इंडियन रेलवेज़ की तरफ से अप्रूवल मिलती है तो आप लोग को बहुत ही जल्दी इस तरह की जो स्टेयर्स हैं ये हमारी इंडियन रेलवेज़ की ट्रेन्स में देखने के लिए मिल सकती है। पर्टिकुलरली दोस्तों आप लोग का क्या एक्सपीरियंस रहा है हमारी अपर बर्थ के साथ में उसको आप लोग जरूर से शेयर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ दोस्तों बस आज के रेल टॉक्स एपिसोड में यही थी कुछ मेजर अपडेट्स। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो इसे जरूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। इसी के साथ दोस्तों अगर आप लोग चैनल पहले बनाए हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आप लोग को रेलवे से रिलेटेड कुछ इसी तरीके की बहुत सारी नई और इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक और नई और फ्रेश वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बी ए ट्रैवलर बी ए एक्सप्लोरर, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।